राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू किया गया है और इस कानून में यही बताया गया है कि हर एक यूनिट पे 5 किलो अनाज, 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल दिया जाएगा। यह मुद्दा सोड़िया पंचायत के पनसरवा गांव की है, जो कि डनखरा प्रखंड के कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। इसी गांव के डीलर कमल साव ने राशन बहुत कम देते हैं और पैसा अधिक लेते हैं। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है। कितना मिलता है? वही 15 किलो। 15 किलो पूर जाता है? नहीं पूरता है। आप पैसा कितना लेता है? पैसा 50 रुपया पूरे ले लेता है। ज्यादा चाहिए राशन। यदि आपसे राशन वो काट लेता है तो क्या आपको खाने पीने में कैसा दिक्कत होता है? पूरा दिक्कत होता है। कमाने वाला कोई नहीं, 2 ठो बेटी है, हमारा बेटा नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं। और तो देवे ना करता है, कहते इतनी दाम है, कोई बार ज्यादा दे देता है पैसा, कोई बार कम लेता है, वही 80 रुपया। घर में अनाज नापते हैं तो गेहूँ होता है 8.5 किलो और चावल में देता है 12 किलो, होता है 10 किलो और पैसा फूल लेता है 80 रुपया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वाजिब दाम ले और अनाज हमको चाहिए 25 किलो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के समुदाय को पूरा राशन और उचित दाम पे मिलना चाहिए। यदि उसको पूरा राशन उचित दाम पे नहीं दिया जाता है तो हम एक संगठित होकर के ब्लॉक पे धरना पे बैठेंगे जब तक कि यहाँ के समुदाय को पूरा राशन नहीं दिया जाता है। जितने ही भाई बहनों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे SDO साहब का नंबर है 94-73-19-13-77, इन पर कॉल करके दबाव बनावे कि जल्द से जल्द यहाँ के समुदाय को पूरा राशन और उचित दर पर दिया जाए, जो कि यहाँ के समुदाय को खाने पीने का कठिनाई दूर हो जाए। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया 100 के लिए।